सब दुर्पाणी पाठ्यामी उपशास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्र समान संस्कृतम युवन शब्द हलंत पुलिंग अर्थात अंत में न है नकारांत पुलिंग युवन शब्द हलंत पुलिंग अर्थात नकारांत पुलिंग युवन का अर्थ है युवक विभक्ति एक वचन युवा युवानो युवान द्विवचन युवानो युवानो युन तृतीया विभक्ति युना युवभ्याम युवभि विभक्ति युने एक वचन युने द्विवचन युवभ्याम बहुवचन युवभ्य पंचमी विभक्ति एक वचन युन द्विवचन युवभ्याम बहुवचन युवभ्य षष्ठी विभक्ति एक वचन युन द्विवचन युनो बहुवचन युना सप्तमी विभक्ति एक वचन युनि द्विवचन युनो बहुवचन युवसु संबोधन एक वचन हेयुव द्विवचन हेयुवानो बहुवचन हे युवान युवन शब्देन संबद्धा वस्तुनिष्ठ प्रश्नास्तु युवन शब्दस्य तृतीया एकवचन रूपम अस्ति युवन शब्दस्य सप्तमी एकवचन रूपम भवति युनि युवन शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपं भवति उपरोक्तं युनां
जीवन शब्द सप्तमी बहुवचन रूप भवति युवसि अनुवाद के तौर पर युवावस्थ एक युवा है युवानवस्त दो युवक है युवान सन्ति दो से अधिक युवक है शेष भक्तियों में भी काल के चिन्हों को समझते हुए अनुवाद काम सुगम किया जा सकता है। पथहीन मांग हलंत पुलिंग नकारांत पुलिंग विभक्ति एक वचनम पंथा द्विवचनम पंथान बहुवचनम पंथान द्वितीय विभक्ति एक वचनम पंथान द्विवचनम पंथान बहुवचनम पथा तृतीय विभक्ति एक वचनम पथा द्विवचनम पथिभ्याम बहुवचनम पथिभिः चतुर्थी विभक्ति एक वचनम पथे द्विवचनम पथिभ्याम बहुवचनम पथिभ्य पंचमी विभक्ति एक वचनम पथा द्विवचनम पथिभ्याम बहुवचनम पथिभ्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम पथा द्विवचनम पथो बहुवचनम पथान सप्तमी विभक्ति एक वचनम पथि द्विवचनम पथो बहुवचनम पथिषु संबोधन एक वचनम हे पंथा द्विवचनम हे पंथानो बहुवचनम हे पंथान पथि शब्देन संबद्धा वस्तुनिष्ठ प्रश्ना सन्ति पथि शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भक्ति पथि पथि शब्दस्य तृतीय बहुवचने रूपम भक्ति पथि ही पथि शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम भक्ति पंथानः पंथानः पंचम पांच बहुवचनांत पंचल शब्द बहुवचनांत पंचल का हिंदी अर्थ हो गया पांच यह बहुवचनांत है बहुवचन में इसका प्रयोग होता है और पंचल शब्द त्रिलिंगी कथ्यते इसको हम त्रिलिंगी भी कह सकते हैं स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसकलिंग त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणि भवन्ति तीनों लिंगों में ही समान रूप होते हैं प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक पंचम शब्द का भी संख्यावाचक है या संख्यावाचक विशेषण है संबोधन में इसका रूप नहीं होता है पंचम
प्रथमा विभक्ति, पंच, द्वितीय विभक्ति पंच, तृतीय विभक्ति पंचभी, चतुर्थी विभक्ति पंचभ्य पंचभ्य, षष्ठी विभक्ति पंचानाम, सप्तमी विभक्ति पंचसु। संबोधन में पंचम शब्द का रूप नहीं होता है, संख्यावाचक विशेषण भेदेशु पंचम अष्टम नवम दशम विशेषण के अनेक भेद है, जिसमें एक भेद है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के ही तहत एक दो तीन चार पाँच इत्यादि ये सभी संख्या है। पंचम विशेष अर्थात संज्ञा अर्थात कर्ता के अनुसार ही विशेषण में परिवर्तन होता है, किंतु यह बहुवचनांत है, विशेष के किसी भी लिंग में होने पर इसकी संख्या एक ही रहती है। जैसे पुलिंग में पांच बालक पढ़ते हैं, पंच बालका पठंती, पांच लड़कियां पढ़ती हैं, पंच बालिका पठंती, पेड़ से पांच फल गिरते हैं, वृक्षात पंच फलानी पतंती। इस पुलिंग नपुंसक लिंग की स्थिति में ही पंच में परिवर्तन नहीं हुआ। अष्टम शब्द है आठ बहुवचनांत, त्रिषु लिंगेशु समान रूपाणि, ये भी त्रिलिंगी है, तीनों लिंगों में समान रूप होते हैं। अष्टम शब्द द्विविध रूपाणि शब्द, दो तरह से इसके रूप होते हैं। एक रूप है प्रथमा विभक्ति में अष्ट, द्वितीय विभक्ति अष्ट, तृतीय विभक्ति अष्टाभि, चतुर्थी विभक्ति अष्टाभि, पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति अष्टाभ्य, पंचमी विभक्ति अष्टाभ्य, षष्ठी विभक्ति अष्टाना, सप्तमी विभक्ति अष्टासु। अन्य रूप है प्रथमा विभक्ति अष्ट, द्वितीय विभक्ति अष्ट, तृतीय विभक्ति अष्टभी, चतुर्थी विभक्ति अष्टभ्य, पंचमी विभक्ति अष्टभ्य, षष्ठी विभक्ति अष्टनाम, सप्तमी विभक्ति अष्टसु। तो पांच और आठ, पंचम और अष्टम, ये दोनों बहुवचनांत है, तीनों लिंगों में रूप समान चलते हैं, विशेष के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जबकि संख्यावाचक विशेषण के ये दो उदाहरण हैं। पूर्णार्थक स्थिति में स्त्री पुलिंग और नपुंसक लिंग में परिवर्तन होता है, जैसे पांचवा बालक पंचमा बालक, पांचवी लड़की पंचमी बालिका, पांचवा फल पंचम फलम इत्यादि।